तो मुझे यही लगा कि अगर उनको मोबाइल की भी नीड है और मोबाइल कहीं से तो परचेस करना ही है उनको, तो मैंने उसके साथ उनको बोला कि वैक्सीनेशन आपको फ्री मिल जाएगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मुंबई लोकल अब चालू हो चुकी है। मुख्यमंत्री 8 बजे आए बीते दिनों और उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने ऐलान किया कि जिन लोगों को 2 डोज मिल चुका है, 14 दिन पूरे कर दिए, वो लोकल में प्रवेश कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में सवाल यह है कि वैक्सीन कैसे मिले। विरार में एक दुकानदार ने जिस प्रकार की पहल चालू की, उससे जिन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है उन्हें यह एक बड़ा अवसर मिल सकता है। आप बता दें कि उत्सव नामक एक मोबाइल शॉप के ऑनर ने एक अच्छी मुहिम चालू की। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये बैनर उसी का है। उन्हें वैक्सीन, जिन्हें बाहर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वे यहाँ मोबाइल खरीदें। खरीदने के साथ उन्हें वैक्सीन फ्री में यहाँ से मिलेगी। ये एक बड़ी और एक अच्छी पहल है। जो लोग मोबाइल खरीदते हैं और तमाम तरीके से मोबाइल खरीदने के बाद भी उन्हें वैक्सीन के लिए लाइन पर लगने के बावजूद वैक्सीन नहीं मिल पाती है, उन्हें यहाँ पर आसानी से वैक्सीन भी मिलेगी। एक निदान के, क्योंकि निदान में इनका टाई अप है, उनसे इन्होंने बातचीत की है, जो लोग यहाँ से मोबाइल खरीदेंगे उन्हें एक कूपन दिया जाएगा। उस कूपन के माध्यम से वो निदान जाएंगे और वहाँ पर उस निदान में उनके वैक्सीन का निदान हो जाएगा, यानी वैक्सीन उनको प्राप्त हो जाएगा। ये अच्छी पहल है। सुनिए, दुकानदार ने यानी कि अमित जी ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। एक्चुअली देखो, अभी फिलहाल तो वैक्सीनेशन के लिए लोग बहुत सारे दर दर घूम रहे हैं। एक दिन पहले रात सुबह पूरी रात को लाइन लगा के खड़े रहते हैं। सेम चीज़ ऑनलाइन स्कूल के लिए मोबाइल लेना पड़ रहा है उनको। तो ये मेरा मोबाइल शॉप है और मैंने ये सारी चीज़ें देखी नज़दीक से, तो मुझे यही लगा कि अगर उनको मोबाइल की भी नीड है और मोबाइल कहीं से तो परचेस करना ही है उनको, तो मैंने उसके साथ उनको बोला कि वैक्सीनेशन आपको फ्री मिल जाएगा। उससे क्या होएगा कि उनको वैक्सीनेट होना है, वैक्सीनेट तो सबको होना ही है आपको, तो वैक्सीनेशन के लिए उनको कई एक दिन पहले जाके लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल आप परचेस करके वहाँ पे आपको मैं कूपन दूंगा, जो वैक्सीनेशन के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मिलेगा वहाँ पे, जिसका पेमेंट हमारे उत्सव मोबाइल शॉप से हो जाएगा। क्या स्लैब्स हैं, क्या नियम है उसके? देखो, इसमें क्राइटेरिया ऐसे रखा है कि 20,000 तक के मोबाइल को हम लोगों ने वैक्सीनेशन पूरा फ्री रखा है। 15,000 के रेंज के मोबाइल को हम लोगों ने 100 रुपीज़ खाली पे करने के लिए बोला है। एक्चुअली कोविशील्ड वैक्सीन दे रहे हैं जिसका कॉस्ट है 780 रुपीज़। 100 रुपीज़ अगर 15,000 के रेंज में कोई मोबाइल देता है तो उसको 100 रुपीज़ खाली वहाँ पे जाके पे करना है, बाकी का पैसा सब उत्सव मोबाइल देगी। और 10,000 के रेंज में अगर कोई लेता है तो उसमें 200 रुपीज़ उनको पे करना है। देखो, मैं लास्ट 1.5-2 साल से सोशल में हूँ, कोविड में मैंने बहुत सारी चीज़ें नज़दीक से देखी, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गया, सारी चीज़ें देखी मैंने नज़दीक से। मैं सोशल प्लस मैं बिजनेसमैन भी हूँ, तो मैंने इसमें देखा कि मैं अगर इसमें थोड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं अगर सोशल वर्क करूँ, मुझे इसमें अगर मोबाइल बेचने पर ये स्कीम में मुझे प्रॉफिट नहीं मिला तो भी चलेगा, मगर मैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर मैं कोविशील्ड का वैक्सीन कस्टमर्स को दे रहा हूँ तो उससे उनको फ़ायदा होगा। उसके साथ में मैंने और एक चीज़ रखा है कि कुछ लोगों को मोबाइल नॉर्मल लेना है मगर उनको ज़रूरत नहीं है वैक्सीनेशन की, तो मैंने उनको नीडेड के लिए डोनेट का भी ऑप्शन रखा है। जैसे बहुत सारा क्राउड है जो लाइन में भी नहीं जा सकते, सीनियर सिटीजन्स हो गए और गरीब भी है तो पे भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने डोनेट का भी ऑप्शन रखा है कि आप वहाँ से मेरे यहाँ से मोबाइल परचेस करते हो, आपके हाथ से मैं नीडेड को वो कूपन दे दूंगा। तो इन सब बातों पे एक बात तो स्पष्ट है कि जिन्हें वैक्सीन अब तक नहीं प्राप्त हो चुकी है वे जल्द से जल्द पहुंचकर इस प्रकार की मुहिम का लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें मोबाइल खरीदना है, और उसके साथ में जिन्हें वैक्सीन नहीं प्राप्त हो रही है अब उन्हें वैक्सीन मुफ्त में मिल जाएगी। एंटी करप्शन न्यूज़, विरार।